वेलकम स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पार्ट 6, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द डिफरेंस। पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में आज हम बात करेंगे डिफरेंस की, क्या क्या डिफरेंस है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो फैमिली बिजनेस होता है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके बीच में हम डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंस है, बेसिस है मोड ऑफ क्रिएशन के ऊपर। मोड ऑफ क्रिएशन में यहाँ पे एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप क्रिएट होता है। सो पार्टनरशिप इज़ अ क्रिएटेड नेसेसरीली बाय एन एग्रीमेंट। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली की बात की जाए, सो इट इज़ अ राइट ऑफ फैमिली विच आर क्रिएटेड बाय अ बर्थ इन द फैमिली। जो राइट है जॉइंट हिंदू फैमिली का, कि कोई व्यक्ति अगर जिसका उस फैमिली में बर्थ होता है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करता है, वो तो वहाँ पे वो इजीली एंटर हो चुका होता है अपनी फैमिली बिजनेस के अंदर। डेथ ऑफ ए मेंबर, डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑर्डिनरली लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर डिसोल्यूशन लेकर आता है, जबकि डेथ ऑफ ए मेंबर यहाँ पे डिसोल्यूशन लेकर नहीं आता है। मैनेजमेंट की बात की जाए, तो पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वली एंटाइटल्ड है, इक्वली बिजनेस कर सकते हैं, इक्वली मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म का। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली की बात की जाए, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये है कि जो राइट ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरली कर्ता के द्वारा डिसाइड करा जाता है, और वो मेल मेंबर भी हो सकता है और फीमेल मेंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे, अथॉरिटी टू बाइंड। अथॉरिटी किसके हाथ में रहती है? हर पार्टनर के हाथ में अथॉरिटी रहती है यहाँ पे पार्टनरशिप में। एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड अ फर्म। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता और मैनेजर, इनके पास में अथॉरिटी रहती है कि किसी भी चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना, बिजनेस को क्रिएट करना और अदर फैमिली मेम्बर के साथ काम करना। लाइबिलिटी की बात की जाती है, लाइबिलिटी यहाँ पे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड रहती है। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जो हेड ऑफ द मेंबर है। बाकी जितने भी पार्टनर को पार्टनर्स है या फैमिली मेंबर है, उनकी लाइबिलिटी उनके प्रॉफिट के शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लिमिटेड मानी जाती है। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। पार्टनरशिप की बात की जाती है, तो पार्टनरशिप में फर्म के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यहाँ पे हो जाता है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यहाँ पे अकाउंट्स को बंद करके हो सकता है। जबकि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में सेपरेशन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन अकाउंट बंद करने का, यहाँ पे क्लोजर करने का कुछ यहाँ पे प्रोविज़न नहीं दिया गया है। गवर्निंग लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बना हुआ है पार्टनरशिप, जबकि हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। तो गवर्निंग लॉ में बात की जाती है, पार्टनरशिप 1932 एक्ट को फॉलो करता है, और हिंदू लॉ हिंदू एक्ट को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है माइनर्स कैपेसिटी। पार्टनरशिप में माइनर कभी भी पार्टनर नहीं रहता, लेकिन वो पार्टनरशिप के बेनिफिट लेने के लिए पार्टनर के कंसेंट के साथ एडमिट हो सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की जाए, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में माइनर एक मेंबर होता है, और वो अपने बिजनेस का प्रॉपर्टी का एक मेंबर हो सकता है, प्रॉपर्टी का गेनर हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी को जो होल्ड करने वाला हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे एक मेजोरिटी अटेंड करने के लिए जब देखी जाती, तो एडल्ट होना उसका ज़रूरी है मेजोरिटी। जबकि मेंबर बनने के लिए वो जब से उसका बर्थ होता है तब से वो मेंबर बन जाता है। तो माइनर कैपेसिटी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं होती लेकिन बेनिफिट्स ले सकते हैं। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यहाँ पे माइनर मेंबर बन सकता है। कंटिन्यूटी की बात की जाए, तो फर्म का जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो डेथ और इंसॉल्वेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली में कंटिन्यूटी चलती रहती है जब तक वो डिवाइड नहीं होता, और इसके अंदर कर्ता की डेथ होती है तो वहाँ पे दूसरा यहाँ पे कर्ता अपॉइंट हो जाता है। तो कोई डेथ से ना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अफेक्ट नहीं होता। नंबर ऑफ मेंबर में पार्टनरशिप नंबर 50 है, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली में जितने पर्सन फैमिली में अनलिमिटेड माने जाते हैं। शेयर इन द बिजनेस की बात की जाए, तो शेयर इन द बिजनेस यहाँ पे पार्टनर अपना हिस्सा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जबकि HUF के अंदर को पार्टनर्स यहाँ पे शेयर करते हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर।
तो इस वीडियो में हम बात करी पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में डिफरेंस।